अब जैसे कि हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी का फर्स्ट वीडियो में देखा था, दो शुरू की डोमिनेंस प्रॉपर्टी में, इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से हमने दोनों डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करी थी उसमें। उसके बाद हमने उस वीडियो को वहां तक ले गए थे जहां पे 2x2 की पे ऑफ मैट्रिक्स से आगे कैसे सॉल्व होगा उसकी वीडियो नहीं बनी थी। तो हमने सबसे पहले डोमिनेंस, तीनों डोमिनेंस प्रॉपर्टी को दो वीडियो में कंप्लीट किया। उसके बाद हम 2x2 रो की पे ऑफ मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन वही है, उसमें हमने दोनों डोमिनेंस रो की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हम यहाँ तक आ गए थे क्वेश्चन में, उससे आगे का सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो हमारे थर्ड डोमिनेंस प्रॉपर्टी में भी हमारे 2x2 की पे ऑफ मैट्रिक्स बनी थी, उसमें भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वही मेथड हमारा सेम ये होगा, उसका भी आंसर हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। यदि उसमें कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब नेक्स्ट है, जैसे कि हमारा 2x2 की पे ऑफ मैट्रिक्स हमारी ये है, 2x2 की मैट्रिक्स है जैसे हमारी, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट का प्लस करेंगे और उसका जो टोटल आएगा उसे लिख देंगे यहाँ पर। जैसे उसका टोटल आया हमारा 12। अब जैसे कि हमारी दो रो हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से बड़े वाले एलिमेंट में से हर एक रो के बड़े वाले एलिमेंट में से छोटे वाले एलिमेंट को माइनस करना है, यानी कि 5 - -1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। इसी तरीके से 12 बड़ा एलिमेंट है 0 से, 12 - 0 इक्वल टू 12 आ जाएगा। जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा उसे तो इधर लिख देंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा उसे इधर लिख देंगे। इसी तरीके से हमने जैसे कि कॉलम में छोटे एलिमेंट को बड़े एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया था, यानी कि 5 - -1 इक्वल टू 6 आया, 12 - 0 बड़ा ये है छोटा ये है, 12 - 0 इक्वल टू 12 है वो यहाँ। इसी तरीके से हम कॉलम में करेंगे, कॉलम में बड़ा एलिमेंट ये है छोटा ये है फर्स्ट कॉलम में, तो 5 - 0 इक्वल टू 5 आया वो इधर लिख दिया, ये बड़ा एलिमेंट है ये छोटा है, तो 12 - -1 ऐड हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा 13। ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से करा, ये नॉर्मली सभी को पता है सब्ट्रैक्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, हालांकि इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला को याद ना करते हुए हम यहाँ पे लॉजिक पे ध्यान देंगे। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली इन दोनों वैल्यू के रेस्पेक्ट में, तो इसकी क्या आएगी, 12/6 + 12 यानी कि 12/18 यानी कि 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 6/12 + 6 इक्वल टू क्या आ गई, 1/3 यानी कि 6/18। इसी तरीके से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 13/13 + 5 इसी तरीके से निकलती है प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 5/5 + 13 ये हमारा आ गया 13/18 ये आ गया हमारा 5/18। अब इस तरीके से हमारी ये जो वैल्यू आई है 2/3 1/3 ये x1 x2 की वैल्यू है। इसी तरीके से y1 y2 की वैल्यू क्या आ गई, 13/18 y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू आ गई 5/18। इसकी हेल्प से हम वैल्यू ऑफ द गेम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी इसकी वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा। तो इस तरीके से हमने x1, x2, y1, y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यही हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे, x1, y1 की वैल्यू और x2, y2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट होता है हमारा वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से और 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, इन दोनों को ऐड करेंगे जो हमारा आ जाएगा वो होगा हमारा वैल्यू ऑफ द गेम। इसी तरीके से वो आएगा 10/3। इसी तरीके से हम नेक्स्ट, यदि हम किसी भी तरीके से वैल्यू ऑफ द गेम निकालें हमारी सिमिलर ही आएगी। इसमें हम क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इससे भी हमारा आंसर क्या आएगा, 10/3। तो इस तरीके से यदि पे ऑफ मैट्रिक्स हमारी वैल्यू ऑफ द गेम पूछा जाएगा तो हम किसी भी एक रो को निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो आई है रो की क्रोस्पोंडिंग रो जो है उसके रेस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी आई है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम आ जाएगी।
जैसे यहाँ पे 5 इंटू अगेन हम देखते हैं 5 इंटू 2 बाई 3 जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 12 की, 0 इंटू 6 बाई 18 यानी कि 1 बाई 3 जो उसकी 0 ही आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करा हमारे आ गए 10 बाई 3 वैल्यू ऑफ द गेम। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारी वैल्यू ऑफ द गेम सही है, उसके लिए क्या हम इसके हेल्प से जो निकालेंगे वैल्यू ऑफ द गेम इसकी प्रोबेबिलिटी की के साथ मल्टीप्लाई करके वो हमारी इक्वल आएगी, माइनस 1 इंटू 2 बाई 3 12 इंटू 1 बाई 3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे उसका भी आंसर क्या आएगा हमारा 10 बाई 3, जो कि यहाँ पे इस तरीके से हमारा सोल्व भी करा गया है। 5 इंटू 2 बाई 3 प्लस 0 इंटू 1 बाई 3 10 बाई 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4, ये सेकंड की हेल्प से निकाला हमने सेकंड कॉलम की हेल्प से, ये भी 10 बाई 3। इस तरीके से हमारी वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गई हमारी 10 बाई 3, और इस तरीके से हम किसी भी 2 बाई 2 की पे ऑफ मैट्रिक्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे किसी भी हम जो हमारी मिक्स स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीके से हम इसे मिक्स स्ट्रेटेजी बोलते हैं जिसमें हमारे सैडल पॉइंट फाइंड आउट ना हुआ, उसमें जैसी हमारे मिक्स स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद 2x2 रो मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स का ये अनदर मेथड होता है, उस मेथड पे ध्यान न देके हम लॉजिकली उस पे इन कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे और इससे हम वैल्यू ऑफ द गेम और x1y1 और x2y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।